स्वागत मधु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु और पुदुचेरी ग्रस्त करते अवसर में मोदी एकाधिक प्रकल्प को उद्घाटन करेंगे। 12,400 कोटी टंकारे निर्मित होगा प्रकल्प को मोदी आज पूर्वाह्न शिलान्यास करेंगे। सेठे से एक मेडिकल कॉलेज नुआ परिसर पर शिलान्यास करेंगे। सेहीपरी मोदी किसी विकासमूलक प्रकल्प निर्माण पर शिलान्यास कर विभिन्न कार्यक्रम रही। पीएमओ तरफ आहरी तमिलनाडु रे मोदी नेवेली विद्युत परियोजना को देश उत्सर्ग करेंगे। यह प्रकल्प में 1,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन हो तमिलनाडु केरल कर्णाटक आंध्रप्रदेश और पुदुचेरी को फायदा हो। पुदुचेरी रे प्रधानमंत्री सतरनाथपुरम नागापट्टिनम रास्तार शिलान्यास करेंगे। यहसह कराईकलम जिले में मेडिकल कॉलेज नुआ कैंपस को उद्घाटन करेंगे। यह व्यतीत अनेक प्रकल्पर मध्य उद्घाटन करेंगे बोली सूचना मिली। कोरोना टीकाकरण को नहीं केंद्र सरकार एक बड़ घोषणा करछंती। आसंता मार्च 1 तारिखरु देशरे 60 वर्षरु अधिक वयस्क व्यक्ति को टीका प्रदान आरंभ हेबो। केन्द्रमंत्री प्रकाश जावेदकर कैबिनेट निष्पत्ति संपर्क में सूचना दे यह घोषणा करछंती। तेबे केन्द्र सरकार मंत्री मानंकु टीका पई अर्थ देबाकु पड़िबो। एक सांबादिक सम्मेलन में जावेदकर सूचना अनुसार 60 वर्षरु अधिक वयस्कों को 1 तारिखरु टीका दिजिव। यह सहित विभिन्न गुरुतर रोग से पीड़ित 45 वर्षरु अधिक वयस्क व्यक्ति टीकाकरण हो देशर 10,000 सरकारी केन्द्र में लोकं मागणारे टीका दिजिव। एथसहित केन्द्रमंत्री कहते जे जो लोक मैंने घर हस्पिटाल गुड़िक टीका ने से टा देवा पड़ सरकार पक्षर खुबशीघ्र टीकार मूल्य अवगत करा सांबादिक सम्मेलन में केन्द्रमंत्री रविशंकर प्रसाद घोषणा करते केन्द्र सरकार समस्त मंत्री टंका दे कोरोना टीका ने अर्थात 60 वर्षरु अधिक वयस्क मंत्री सरकारी केन्द्रगुड़िक मागणारे टीका नहीं पारे ना। समुद्र सीमार भारत को घेरवाक चेष्टा करुवा चीन एवं म्यांमार निर्माण कर एक बंदर। म्यांमार क्याकोप्यू सहर निकट में बंगोपसगर में कोटी कोटी टंका व्ययर एक बंदर विकाश पर दुई देश मध्य एक चुक्ति जहाँकि भारत पर चिंतार विषय कारण यह पूर्व चीन भारत दुई पड़ोशी राष्ट्र श्रीलंका और पाकिस्तान में बंदर निर्माण कर सारी। चीन पाकिस्तान रे ग्वादर बंदर निर्माण करुवा बेले श्रीलंका रे हम्बन टोटा बंदर को 99 वर्ष जाए लीज्रे नहीं व्यतीत बांग्लादेश रे चट्टगांव बंदर विकास पर आर्थिक सहायता देने भारत कही चीन महासागर में रणनैतिक उपाय घेरवाक चेष्टा कर तेबे म्यांमार चीन रो बर्धित निवेश को नहीं चिंता प्रकट करथिला। एहा परे चीन रो निवेश को ह्रास करथिला। एक प्रोजेक्ट रे आर्थिक स्वरूप को नहीं दुई देश मध्य 2015 रु आलोचना अटकीला। एही प्रोजेक्ट रे चीन रो निवेश 70% थिला। चीन रो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आधार रे एही प्रोजेक्ट निर्माण करा जिवो। ओडिशा छत्तीसगढ़ सीमा नारायणपुर जिले में माओवादी लैंडफॉल विस्फोरण हो घटना रे दुई जन जवान शहीद होती अन्य जड़े गुरुतर होता बेले गुरुतर अवस्था मेडिकल रे भर्ती करा। सूचना अनुजाई आईटीबीपी 53वां बटालियन जवान सोनेपुर थाना अंचल में नक्सल दमन ऑपरेशन करुथिले तेबे सर्च ऑपरेशन बेले नक्सल खंजीथिबा पाइप बम विस्फोरण होता एथिरे आईटीबीपी जवान एन बालाचामी शहीद होती। सेहीपरी कुकराज पुलिस स्टेशन अंचल रे डीआरजी जवान को सर्च ऑपरेशन चलता बेले जवान कानन उसेंडी शहीद होती एस जवान बांकेश्वर पाइकरा गुरुतर होती आहत तो जवान बांकेश्वर पाइकरा को अधिक चिकित्सा पर रायपुर पठा जा। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश भागेल दुख प्रकाश करने सहित शहीद पर प्रति समबेदना जनाई। मार्च 1 तारिखर युक्त 3 प्रथम वर्षर छात्र छात्री अनलाइन रे पाठपढ़ा आरंभ हो। एने उच्चशिक्षा विभाग प्रमुख सचिव विद्यालय कुलपति और सरकारी एवं घर महाविद्यालय अध्यक्ष को चिठी लिखिंट। राज्य में स्नातक और स्नातकोत्तर शेष वर्षर छात्र छात्री 2021 जनवरी 11 तारिखर अफलाइन पाठपढ़ा आरंभ हो। 2021 फेब्रुआरी 10 तारिखर स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष एवं 3 वर्ष स्नातक पाठ्यक्रम द्वितीय वर्ष छात्र छात्री 4 वर्ष स्नातक पाठ्यक्रम तृतीय वर्षर पिलापढ़ा अफलाइन मध्यम आरंभ हो।
କୋଭିଡ୍ ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ସଂକ୍ରମଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିପାରି ନଥିବାରୁ ଯୁକ୍ତ ତିନି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପାଠପଢ଼ା ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ନ କରାଗଲେ ଯୁକ୍ତ ତିନି ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଯୁକ୍ତ ତିନି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠପଢ଼ା ମାର୍ଚ୍ଚ ଏକରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏବେଠୁ ରାଜଧାନୀରେ ଅସହ୍ୟ ହେଲାଣି ତାତି। ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ତାପମାତ୍ରା 38 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଛି। ଦିନସାରା ଟାଣ ଖରା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ସେହିଭଳି 11ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାରଦ 35 ଡିଗ୍ରୀ ଡେଇଁଛି। ସେପଟେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ପୌର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଏନେଇ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏସ୍ଓପି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି। ଏହି ଏସ୍ଓପି ମୁତାବକ ତତ୍କାଳ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାସହ ସନ୍ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଓ ଅଂଶୁଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। କଟକରେ ତାପମାତ୍ରା 36.6 ଡିଗ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ଅନୁଗୁଳରେ 35.7, ବାରିପଦାରେ 36.8, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 35, ସମ୍ବଲପୁରରେ 35.3, ତାଳଚେରରେ 35.5, ଭବାନୀପାଟଣାରେ 35.5, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 36.4, ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ 36, ନୟାଗଡ଼ରେ 36.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଆଜିର ସ୍କ୍ରିନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର। ଘରେ ଟେନସନ, ବାହାରେ ବି ଟେନସନ। ପୁଅର ଚାକିରି ପାଇଁ ହଉ, ଝିଅର ବାହାଘର ପାଇଁ ହଉ, ଘରେ ଅଶାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଋଣର ବୋଝ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ଆଉ ଜମି ଜମା ବିବାଦ, ଏସବୁ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ନା? ଏଇସବୁ ଟେନସନରୁ ମୁକୁଳିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି? ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବେ ଏବଂ କିପରି ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର, ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର, ଗୁରୁବାର, ରବିବାର ରାତି 9ଟାରେ କେବଳ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆରେ। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।